बढ़िया, तुम? ठीक ही हूँ। क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं रहने दो, मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम भी मना कर दोगे। अरे ऐसे कैसे मना कर दूंगा, अगर मेरे बस में होगा तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। यार इस टाइम मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है और मैं घर से पैसे नहीं ले सकती हूँ। मेरी सारी ड्रेस पुरानी हो गई है और मुझे नई लेनी है, यही है प्रॉब्लम। यार इस समय तो मेरे पास भी पैसे नहीं है। अरे यार तुम कपड़े बाद में ले लेना, तब तक जो तुम्हारे पास है उसी से काम चलाओ। मुझे पता था हमेशा की तरह तुम इस बार भी मना कर दोगे, कभी अपने मन से नहीं बोलते हो, ये लो पैसे और ले लो जाके अपने मन पसंद की ड्रेस। यार तुम जानती हो मैं इतने पैसे नहीं कमाता जिससे तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं, लेकिन हाँ मैं अपनी जिंदगी में ऐसे दिन जरूर लाऊंगा जिससे तुम्हारी बड़ी से बड़ी ख्वाहिश भी पूरी होगी। वो दिन नहीं आएगा कभी। मुझे तुम अभी पैसे दो, मुझे तुरंत शॉपिंग पे जाना है, बस दो मुझे पैसे। यार अभी तो मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मैं तुम्हें कल अपने साहब से लेकर दे दूंगा। तुम रोज यही कहते रहते हो, बस गुस्सा लगवाते रहते हो। क्यों गुस्सा कर रही हो तुम, कल तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने दे दूंगा पक्का। चलो ठीक है। साहब वो घर में सब राशन खत्म हो गया है, इसीलिए मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। यार तू कितने पैसे लेगा एडवांस में, हर रोज तो तू पैसे मांगता रहता है, और तूने जितना काम नहीं किया है उससे ज्यादा तो तूने पैसे ले रखे हैं, अब तुझे एक भी रुपया नहीं मिलेगा, समझा? ऐसा मत कहिए साहब, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और एक आप ही मेरा सहारा हो। ठीक है तुझे इस बार पैसे दिए दे रहा हूँ, लेकिन अब दोबारा भूल कर भी इस महीने में पैसे मत मांगना। ठीक साहब। ये लो पैसे, और तुम्हें जितनी भी शॉपिंग करनी है कर लो। थैंक यू सो मच। और हेलो, कहाँ हो तुम? मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा यार वो मेरे मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया है और मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो क्या तुम मेरा रिचार्ज करवा दोगे? क्योंकि जब भी मेरा तुमसे बात करने का मन होगा तो मैं कॉल नहीं कर पाऊंगी। यार मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। यार तुम हर दम पैसे का ही रोना रोते रहते हो, करवाओ रिचार्ज वरना मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाऊंगी। यार हेमा तुम मेरी बात समझ ही नहीं रही हो, अच्छा अगर मेरे पास पैसे होते हैं तो मैं तुम्हें मना करता हूँ। मैं समझती हूँ यार, मगर तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन, तुम नहीं कराओगे रिचार्ज तो कौन कराएगा, प्लीज करवा दो ना जल्दी से। अरे लेकिन मैं साहब वो आज मेरी तबीयत कुछ ख़राब सी लग रही है, मुझे दवाई लेनी है, लेकिन मेरे पास एक भी रुपए नहीं है, अगर आप थोड़े बहुत रुपए दे देते तो। तू फिर पैसे मांग रहा है, अभी कल ही तो लिए थे और आज फिर तुझे पैसे चाहिए? तू पहले से ही एडवांस में कितने रुपए ले चुका है, चल जाके काम कर, तुझे इस महीने एक भी रुपया नहीं मिलेगा। अरे देख लीजिए ना साहब, अगर थोड़े ही पैसे दे देते तो। जाके काम कर नहीं तो तुझे काम से भी निकाल दूंगा, कहीं बीमारी कहीं घर में खाने को नहीं है, रोज रोज नए नए बहाने बनाकर आ जाता है पैसे मांगने, चल जाके काम कर।
मैंने तुमसे इतना कहा लेकिन तुमने मेरे मोबाइल में रिचार्ज नहीं कराया। तुम अब क्या मुझसे प्यार नहीं करते हो जो अब तुम मेरी बातें भी नहीं मानते हो? जहाँ पैसों की बात आ जाती है तुम बहाने बनाने लगते हो। परेशान हो गई हूँ यार मैं तुमसे अब। अरे परेशान तो मैं हो गया हूँ तुम्हारी फरमाइशें पूरी करते करते। कभी रिचार्ज करवा दो, कभी शॉपिंग करनी है, कभी पिज्जा, कभी कॉफी। अरे तुम्हारे एक महीने के खर्च से तो मेरा पूरा साल गुजर जाएगा। मुझे मजदूरी करके 400-500 रुपए मिलते हैं, उसमें मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करूँ? यही बात अगर तुम पहले बता देते तो मैं तुमसे प्यार ही ना करती। अच्छा, अगर मेरे पास पैसे होंगे तभी तुम मुझसे प्यार करोगी? हाँ, क्योंकि जहाँ पैसे होते हैं वहीं प्यार टिकता है। जा कह रही हो तुम? तुमसे दूर हमेशा हमेशा के लिए। और तुम आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। तुम गरीब हो और हमेशा रहोगे भिखारी कहीं के। यार मैं गरीब ही सही, लेकिन तुम जो कहती हो मैं तुम्हारे लिए करता तो हूँ। करते हो नहीं, करते थे। हटो मेरे सामने से, हटो। यार मैंने जब से विपिन को छोड़ा है तब से मैं ना ही कहीं बाहर घूमने जा पाती हूँ और ना ही शॉपिंग पे। ऐसा करती हूँ विपिन से फिर से पैचअप कर लेती हूँ। कम से कम वो मेरे कहने पे मुझ पे थोड़ा ही बहुत मगर खर्च तो करता था। देख विपिन, तुझे इस महीने 1 भी रुपया नहीं मिलेगा और तुझे लगातार 2 महीने तक काम करना है, तब जाके तुझे पैसे मिलेंगे, क्योंकि तूने एडवांस में ही बहुत पैसे ले रखे हैं, समझा? अच्छा, तो ये इसका मालिक है। अब मैं इस गरीब के साथ नहीं रहूंगी, अब मैं इसके मालिक को फंसाऊंगी। ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम गाड़ी लेकर गेट के बाहर मिलो। प्लीज रुकिए। हाँ जी बताइए, क्या बात है? मैं आपको बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ और मैं आपको यहाँ से रोज आते जाते देखती हूँ, मगर आपसे बोलने की कभी हिम्मत नहीं हुई। बट मैं आज बोल रही हूँ बिकॉज आई लव यू। क्या? हाँ, प्लीज ना मत बोलिएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। चलो फिर नंबर दो अपना। हाँ लीजिए। आज इतना लेट क्यों आया बे? साहब वो कुछ काम पड़ गया था। चल काम कर जाके। मैं बस अभी आया।
क्या है सब? अब ये क्या नाटक है तुम्हारा? मुझसे तमीज में बात करो, मैं तुम्हारी मालिक की गर्लफ्रेंड हूँ और तुम मेरे नौकर, सो माइंड योर लैंग्वेज। अपना खर्चा चलाने के लिए तूने भी इन्हें फंसा लिया? तुझे शर्म नहीं आती सब करने में? इतना गिर गई है तू? हाथ छोड़ो मेरा, मैं कह रही हूँ हाथ छोड़ो मेरा। साले तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ा? बेबी मारो इसे। नहीं साहब, आप इसकी बातों में मत आइए, ये बहुत ही गिरी हुई लड़की है। साले तूने तो बेशर्मी की हद पार कर दी। चल निकल यहां से, और आज के बाद यहां काम करने अभी मत जाना। और सुन, जहां जहां तू काम करने जाएगा मैं हर जगह तुझे मना करवा दूंगा। नहीं साहब ऐसा मत कीजिए, मुझे काम से मत निकालिए साहब, मैं भूखा मर जाऊंगा। तू इसी लायक है, तू एक एक पैसे के लिए तरसेगा। गरीब साले, तू गरीबी में ही पैदा हुआ है और गरीबी में ही मरेगा। चल निकल यहां से। कितना बेशरम है ये, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी यहां से नहीं जा रहा है। चल निकल यहां से। हेलो, आप मिस्टर यादव हियर? हाँ जी बताइए। आप बिल्डिंग बनवाने का ठेका लेते हैं ना? हाँ। मेरी एक जमीन है ग्रीन वैली के पास और मुझे उसमें एक हवेली बनवानी है। मैंने बहुत ठेकेदारों से कांटेक्ट किया लेकिन फिर मुझे आपके बारे में पता चला कि आप बहुत ही सक्सेसफुल बिल्डर्स हैं, इसीलिए मैं ठेका आपको देना चाहता हूँ। ओके, तो फिर कल आप मिलिए मुझसे। नहीं नहीं नहीं, मैं मिल नहीं सकता क्योंकि मैं अभी बाहर हूँ। तो बिना मिले और बिना जान पहचान के मैं ऐसे कैसे ठेका ले लूं? तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो, अगर तुम ये ठेका दोगे तो तुम जितना पैसा लगवाओगे हवेली बनवाने में मैं तुम्हें उसका 40% कमीशन भी दूंगा। क्या? हाँ, अब तुम हवेली में जितना भी पैसा लगाओगे और उसे जितनी महंगी बनवाओगे उसमें तुम्हारा ही फायदा है। ओके सर, मैं तैयार हूँ इस डील के लिए। ओके ओके, तो तुम मेरी जमीन को अपनी जमीन समझकर काम शुरू करवा दो। ओके ओके, 40% कमीशन, मैं तो माला माल हो जाऊंगा। ये वाली जगह वहां पे बनेगी। हाँ। पैसे और अच्छे से अच्छा रॉ मटेरियल मंगवाओ। ओके सर।
मेरा फोन देखो कितना खराब हो गया है। मुझे कल आईफोन 12 चाहिए। आईफोन छोड़ो, मैं तुम्हें अभी कीपैड भी नहीं दिला सकता। क्यों? वो जो मुझे हवेली बनवाने का ऑर्डर मिला था उसमें मेरा पूरा बैंक बैलेंस खत्म हो गया है। तो अब क्या, कल वो सर आएंगे जिन्होंने हवेली बनवाने का ऑर्डर दिया था, और पता है मुझे अपने पैसों के साथ साथ 40% कमीशन भी देंगे, और उसके बाद मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। भाई मेरा भी पेमेंट करवा देना। सबका पेमेंट हो जाएगा भाई, पहले सर को तो आ जाने दो। वाह, बहुत ही शानदार हवेली बनवाई है तुमने। तुम विपिन ही हो ना? हाँ हाँ, मैं विपिन ही हूँ। आईडी दिखाओ क्या? तुम इतने अमीर कैसे हो गए? ये सब कैसे हुआ? हेलो। हाँ, क्या मेरी बात मिस्टर विपिन यादव जी से हो रही है? जी हाँ। क्या आप हमें अपना एड्रेस बता सकते हैं? एड्रेस क्यों, हम आपको फोन पर नहीं बता सकते। आप अपना एड्रेस बताइए, हम आपसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर विपिन जी, हमें आपको ये बताना है कि आप जब 9 साल के थे तब आपके पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, और शायद आपको ये नहीं पता होगा कि आपके पेरेंट्स इस शहर के सबसे अमीर आदमी थे, जिनके पास बहुत सी प्रॉपर्टी थी और जिसकी कीमत अरबों में थी, और आपके माता पिता के देहांत के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी और पूरा पैसा सरकार के अंडर में चला गया था, क्योंकि आप उस समय नाबालिग थे और आपकी प्रॉपर्टी पर कोई भी हस्तक्षेप कर सकता था। और हाँ, आपके माता पिता ने नॉमिनी में आपका नाम डलवाया था, और सरकार आपका पता बहुत दिनों से लगा रही थी। वो किस लिए? क्योंकि अब आप बालिग हो गए हो, और इसलिए सरकार आपके माता पिता की प्रॉपर्टी और पूरा पैसा आपके नाम करती है। लीजिए, आप इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दीजिए। लीजिए, कर दीजिए साइन। अब आपकी गिनती शहर के सबसे अमीर आदमियों में होगी। ये लीजिए। ओके, अब तुम लोग जा सकते हो। अरे, वो तुमने मेरे पैसे नहीं दिए। पैसे? कौन से पैसे? इस हवेली को जो बनवाने में मेरे पैसे लगे हैं, और 40% कमीशन भी, और मुझे भी 5 लाख रुपए।
अपने काम के। मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा तुम लोगों को, तुम्हें जो करना है वो कर लो। तुम पुलिस बुलवाओगे, मेरे ऊपर केस फाइल करोगे, जो करना है वो कर लो, लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगा। अरे नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत करो, मेरा पूरा बैंक बैलेंस खत्म हो गया है, मेरे पास एक चवन्नी भी नहीं बची है। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं भिखारी बन जाऊंगा, मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा हाँ, मैं बहुत गरीब हो जाऊंगा, और इस वक्त तो मेरे पास एक टाइम के खाने के लिए पैसे भी नहीं बचे हैं। हाँ, और इन्होंने अपनी सारी पूंजी इस हवेली को बनवाने में लगा दी। तुमने तो इनसे वादा किया था कि तुम इन्हें सारे पैसे दे दोगे, और तुम अब अपने वादे से मुकर क्यों रहे हो? चलो थोड़ी देरी सही, कम से कम तुम लोगों को गरीबी का एहसास तो हुआ। एक गरीब कैसे पैसे ना होते हुए भी अपनी जिंदगी को मैनेज करता है, अब पता चला। और तुमने तो इस गरीब को प्यार का नाम देकर न जाने कितना ठगा है, किसी लायक नहीं छोड़ा था मुझे। अगर मैं तुम लोगों को पैसे ना दूं तो तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, क्योंकि तुम लोग एक गरीब की जिंदगी कभी नहीं जी पाओगे। आज के बाद किसी गरीब को फंसाना नहीं, और तुम किसी गरीब को काम से निकालना नहीं। Thank you.